हेलो साथियों, नमस्कार। एक के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर, आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट्स यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आए हूँ। साथियों, जो आज का टॉपिक है आपका, वो सौंदर्य शास्त्र तथा प्राचीन ग्रंथ की जो कला के महत्वपूर्ण तत्व हैं वहाँ से लेके आए हूँ। तो सौंदर्य शास्त्र तथा प्राचीन ग्रंथ के कला के तत्व से संबंधित वीडियो है साथियों। तो यह जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। तो यहाँ से भी खूब प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो यहाँ से भी आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन लगभग देखने को मिलेंगे साथियों। तो चलते हैं साथियों, विलम्ब ना करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका जो ये सौंदर्य शास्त्र है साथियों, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये 11वीं शताब्दी से संबंधित इसका समय माना जाता है लगभग न। तो यहाँ से साल भंज के इंडियन वीनस की एक मूर्ति मिली थी जो 11वीं शताब्दी की थी, जिसे गुजरी संग्रहालय ग्वालियर में रखा गया है न। एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो जर्मन दार्शनिक थे बॉमगार्टन न। तो एस्थेटिक जो शब्द है ये जर्मन दार्शनिक थे बॉमगार्टन, उन्हीं के द्वारा कहा गया। तो फादर ऑफ एथेटिक्स किसे कहा जाता है, तो बॉमगार्टन को ही फादर ऑफ एथेटिक्स भी कहा जाता है। एथेटिक शब्द किस भाषा से लिया गया है साथियों, ये यूनानी भाषा से लिया गया है ना। तो हिंदी भाषा में अगर एथेटिक्स को देखा जाए तो इसे सौंदर्य शास्त्र कहा जाता है। तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन थे, तो भरत मुनि थे। कौन थे साथियों, भरत मुनि। तो देखते हैं आगे, देखते हैं तो जो आज का जो वीडियो है इसमें जो है हम लोग 50 क्वेश्चन लगभग, कितना 50 क्वेश्चन साथियों, 50 क्वेश्चन हम लोग क्या देखेंगे, एमसीक्यूज देखेंगे, जिस प्रकार से पेपर में आता है। तो पेपर के अकॉर्डिंग साथियों हम लोग यहाँ पे तैयारी करेंगे साथियों। तो 50 क्वेश्चन एमसीक्यूज यानी कि प्रश्नोत्तरी। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे साथियों, तो काम सूत्र की उस टीका कह रहा है कि काम सूत्र की उस टीका जिसमें षडांग क्या है, षडांग का वर्णन है, टीकाकार कौन थे। कह रहा है कि काम सूत्र की उस टीका जिसमें षडांग का वर्णन किया गया है, तो उस टीका के टीकाकार कौन है, पूछा है। यशोधर पंडित हैं, यशराज पंडित हैं, पंडित दीननाथ हैं या पंडित जयराज हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, स्टार लगा के चलिए साथियों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, तो षडांग का जो वर्णन किया है उसके जो टीकाकार हैं कौन है, यशोधर पंडित जी। कौन हो जाएंगे, यशोधर पंडित। तो आपका फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय चित्रकला के षडांगों का सही क्रम क्या है, पहचानिए। कह रहा है कि भारतीय चित्रकला के षडांगों का सही क्रम क्या है, उसे पहचाने के लिए कह रहा है। तो इसमें पहचानिए, देखिए कौन सा है ना। तो इसमें साथियों क्या हो जाएगा, ये पहला जो ऑप्शन है रूप भेद प्रमाण भाव लवण योजना है, दूसरे में प्रमाण भाव लवण योजना और रूप भेद है, तीसरे में भाव लवण योजना प्रमाण रूप भेद है, ग वाले में लवण योजना प्रमाण भाव रूप भेद है। तो इसमें बताइए राइट आंसर आपका कौन सा होगा ना। तो आपने सुना होगा कि रूप भेद, जो रूप भेद होता है सबसे पहले आता है। तो यहाँ पे देखिए ख में भी रूप भेद नहीं है ना, ग में भी नहीं है और घ में भी नहीं है। तो ये तीनों आंसर ऐसी प्रकार से कट गए। तो अब देखिए जो रूप भेद होता है इसका सूत्र है रूप भेद प्रमाण भाव लवण योजना सदृश वर्णिका भंग, इस प्रकार से है। तो रूप भेद हमारा सबसे पहले कहाँ बन रहा है, तो ऑप्शन का में बन रहा है। कहाँ बन रहा है, ऑप्शन का में। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। तो रूप भेद प्रमाण भाव लवण योजना सदृश वर्णिका भंग, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा अगले प्रश्न देखते हैं, षडांग का पहला अंग है। अब देखिए ना, पहले प्रश्न से ही अभी आपको ये प्रश्न का उत्तर आपको आसानी से मिल जाएगा। षडांग कह रहा है षडांग का पहला अंग है, तो षडांग का पहला अंग क्या है। तो ये जो परिभाषा जो आपको श्लोक बताया गया श्लोक टाइप में जो था इसे आपको याद रखना, रूप भेद प्रमाण लवण वर्ण सज्ज का भ्रंग, तो ये चीज़ आपको याद रहेगा। तो इस प्रश्न से इस तरीके से जितने प्रश्न बनेंगे आप सबको हल कर जाएंगे साथियों। तो षडांग का पहला अंग यहाँ पे क्या देखिए है, प्रमाण प्रमाण भी नहीं है ना, सदृश ये भी नहीं होगा, भाव ये भी नहीं होगा। क्यों, कि कह रहा है कि रूप भेद सबसे पहले रूप भेद से स्टार्ट है, तो षडांग का जो पहला अंग बनेगा क्या बनेगा, रूप भेद। तो यहाँ पे ग वाला आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों, षडांग किससे संबंधित है। कह रहा है कि जो षडांग है चित्रकला का जो अंग है, इसे 6 अंग है, उसी को षडांग कहा जाता है साथियों। तो किससे इसका संबंध है कह रहा है ना, तो चित्रकला के 6 अंग का किससे संबंध है, तो चित्रकला से है, सदृश से है,
रूप भेद से है या भाव से है। तो इसमें देखिए किससे है साथियों, षडांग का संबंध किससे है, छह अंग किस में आते हैं। तो चार नंबर पे देखिए तो यहाँ पे क्या आ रहा है साथियों, यहाँ षडांग का जो संबंध हो जाएगा आपका वो चित्रकला से होगा। तो षडांग जो है चित्रकला के ही अंतर्गत आता है। आगे है आपका भारतीय षडांग छह अंग, भारतीय षडांग छह अंग के रचयिता कौन है पूछ रहा है, कह रहा है कि भारतीय षडांग के जो छह अंग है इसके रचयिता कौन है। तो रामचंद्र शुक्ल हैं, यशोधर पंडित हैं, कालिदास हैं या भरत मुनि है साथियों। तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, तो इसमें बताइए आपका राइट आंसर कौन सा होगा साथियों। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, वीडियो अच्छा रहे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करिए, और जो नए व्यूवर्स हैं उस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटी दबा लें साथियों, ताकि हर नोटिफिकेशन हर वीडियो आप तक पहुँचता रहे और उसका आप लोग लाभ लेते रहें। तो शेयर इसलिए करिए साथियों, जो आपके दोस्त मित्र सके संबंधी है कहीं पर क्लास पैसा देख के नहीं जुड़ पाए हैं साथियों, पेड क्लास से नहीं जुड़े हैं, तो उनके पास भी शेयर करिए, वो भी इस वीडियो को देखे। हो सके इस बार ना प्रश्न वो सॉरी फॉर्म न डाल पाए तो हो सके तो फॉर्म अगली बार डालें, तो अभी से ही उनकी तैयारी होती रहेगी और चैनल से उनका जुड़ाव रहेगा। तो यहाँ पे पांचवें पर देखिए क्या है, चार रचयिता कौन है, तो रामचंद्र शुक्ल, यशोधर पंडित, कालिदास तथा भरत मुनि। तो पांचवें नंबर पे जो आपका राइट आंसर का क्या हो जाएगा साथियों, यशोधर पंडित ने भारतीय षडांग जो छह कला चित्रकला का जो छह अंग है इसके जो लेखक हैं वो कौन है, यशोधर पंडित जी माने जाते हैं। भारतीय चित्रकला के षडांग का अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया गया, कह रहा है यह प्रश्न कहने का मतलब है जो चित्रकला के जो छह अंग है, जो चित्रकला का जो छह अंग है इसमें अनुपात, कह रहा है कि अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया गया। तो ये जो अनुपात है ये चित्रकला के छह अंगों में से किससे इसकी समानता की जाती है, ये पूछने का मतलब है, सदृश से, लवण योजना से, वाणी के भंग से या प्रमाण से। तो अनुपात से क्या इसका मतलब है यहाँ पे चारों में ना, तो सदृश होगा, लवण योजना होगा, वाणी के भंग होगा या प्रमाण होगा, तो अनुपात को क्या कहेंगे। तो छः नंबर पे राइट आंसर क्या है, अनुपात को ही क्या कहेंगे साथियों, प्रमाण, क्या कहेंगे प्रमाण, अनुपात को क्या कहेंगे चित्रकला के छंगों में प्रमाण नाम से जाना जाएगा। षडांग सिद्धांत किस ग्रंथ में है, कह रहा है कि जो षडांग सिद्धांत छह अंग की बात कही गई है एक किस ग्रंथ में है, कामसूत्र में है, विष्णुदंत पुराण में है, अपराजिता पृच्छ में है या जय मंगला में है। तो षडांग सिद्धांत किस ग्रंथ में है, ग्रंथ की बात पूछ रहा है, किस ग्रंथ में है षडांग सिद्धांत। सात नंबर दें तो सात नंबर का यहाँ पर जो राइट आंसर का साथियों क्या हो जाएगा, कमेंट एक बार जरा आप लोग करिए, तो यहाँ जयमंगला में किस में हो जाएगा, ये जो षडांग सिद्धांत जो है इसे किस ग्रंथ में है, तो जयमंगला नामक ग्रंथ में है। तो जयमंगला नाम से टीका भी यशोधर पंडित ने ही किया था चित्रकला षडांग का। अगला है भारतीय चित्रकला के छह अंगों का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में मिलता है, मैं कह रहा है कि भारतीय चित्रकला में जो छह अंग है इसका विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में मिलता है, यशोधर की कृत जयमंगला में, नारायण मुनिकृत चित्र सूत्र में, राजा भोज के कृत संगमर सूत्र में या बाण भट्ट कृत कादंबरी में। तो चित्रकला के छह अंग का विस्तृत वर्णन हमको कहाँ मिलता है, तो कहाँ मिलेगा साथियों, ये यशोधर कृत द्वारा, पंडित यशोधर कृत द्वारा जो जयमंगला है उसी में ही चित्रकला के छह अंग की बात कही गई है। तो इसलिए राइट आंसर आपका का हो जाएगा। अगला है आपका वात्स्यायन रचित काम शास्त्र की व्याख्या या टीका, वात्स्यायन रचित द्वारा काम शास्त्र की व्याख्या या टीका के काल के षडांग का उल्लेख किसने किया था, कालिदास ने, बाणभट्ट ने या शोधन ने या शूद्रक ने। तो वात्स्यायन रचित काम शास्त्र की जो व्याख्या या टीका है ना में कला के षडांग का उल्लेख किसने किया है, कालिदास, बाणभट्ट, यशोधर या शूद्र। तो नौ नंबर पर देखिए तो यहाँ पे कौन किया है साथियों, यशोधर पंडित हैं, कौन है, यशोधर पंडित है जो काम शास्त्र व्याख्या टीका पृच्छा कला के अंग का उल्लेख किया है, षडांग कला का उल्लेख किया है, तो यशोधर पंडित ही हैं। नहीं इनसे संबंधित प्रश्न बनता साथियों, इसमें से कोई भी प्रश्न पूछे घुमा के इस तरीके से प्रश्न पूछता है, भारतीय चित्र षडांग के सूत्रधार कौन है, पंडित यशोधर हैं, बाणभट्ट हैं, भास हैं या शुक्राचार्य हैं। तो 10 नंबर पे 10 पे देखिए तो 10 का राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, भारतीय चित्र षडांग के सूत्रधार पूछ रहा है कि कौन इसमें से है? तो चित्रकला चित्र षडांग के जो सूत्रधार यहाँ पे होंगे कौन हो जाएंगे, वो पंडित यशोधर हो जाएंगे। अगला है भारतीय चित्रकला के छह अंगों की व्याख्या किस प्रसिद्ध ग्रंथ में है,
साथियों क्या कह रहा है कि भारतीय जो चित्रकला के जो छांग वाला ये है व्याख्या है किस प्रसिद्ध ग्रंथ में किया गया है। भारतीय चित्रकला के छांग की जो व्याख्या मिलती है ये किस ग्रंथ में मिलती है, कहने का मतलब है रामायण में, महाभारत ग्रंथ में, या कामसूत्र में, या जय मंगला में। तो किस ग्रंथ में मिलती है साथियों, ये जो आपको मिलेगा ये जय मंगला मिलेगा। कहाँ मिलेगा? जय मंगला में। अगला है, भारतीय शिल्प के षडांग पुस्तक के लेखक कौन है। भारतीय शिल्प षडांग जो है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, इंस्टा लगाए। भारतीय शिल्प षडांग के पुस्तक के लेखक कौन है, पुस्तक के लेखक पूछ रहा है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। इस प्रश्न में अक्सर बच्चे क्या आते हैं, गलती कर देते हैं। तो जामिनी राय हैं, सीताकांत हैं, अवनीनाथ टैगोर हैं, या गगननाथ टैगोर हैं। सिर्फ यहाँ पे एक ऑप्शन इनको अगर पंडित या सुधर दिए होते तो यहाँ पे सब और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाते ना। तो प्रश्न को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है कि भारतीय शिल्प षडांग के पुस्तक के लेखक पूछ रहा है, तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में से कौन हो जाएंगे आपके साथियों, तो अवनीन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे ना। अवनीन्द्रनाथ टैगोर की जो पुस्तक उसका नाम क्या है ना, भारतीय शिल्प षडांग। क्या नाम है? भारतीय शिल्प षडांग जो पुस्तक, इसके जो लेखक हैं अवनीन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। यशोधर के चित्र षडांग की पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने की है। यशोधर चित्र की जो षडांग की पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने की है, देखिए प्रश्न लगभग वही है, सिर्फ घुमाया गया है इसको ना। तो यशोधर के चित्र द्वारा षडांग की जो पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने की, तो राजा रब वर्मा, सतीश गुजराल, अवनीनाथ ठाकुर, या नंदलाल बोस। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा साथियों, तो अवनीन्द्रनाथ ठाकुर हो जाएंगे। सिर्फ प्रश्न पूछने का तरीका चेंज कर दिया है बस साथियों। अगला है, भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य है। भारतीय चिंतन के अनुसार कह रहा है कला का क्या लक्ष्य है, कला का लक्ष्य क्या है? हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना, आंखों को सुंदर लगना न, और क्या कर रहा है, इंद्रियों को संतुष्ट करना, या जन जीवन की समस्याओं को प्रस्तुत करना ना? तो इसमें देखिए एक बार प्रश्न की, भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य क्या है साथियों, तो कला का जो प्रमुख लक्ष्य उसको पूछ रहा है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा साथियों, कला का जो प्रमुख लक्ष्य होगा वो हो जाएगा आपका हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। अगला है, एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में मित्र कह रहा है कि एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व है। तो कला का है, साहित्य का है, कलाकार का है, या कला इतिहास कला साहित्य का है ना। तो ये जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, ये साथियों क्या देख रहे हैं, वीडियो पार्ट वन देख रहे हैं, तो इसका जो पार्ट टू होगा ये आपको कल मिलेगा। तो उसमें भी लगभग आपको 50 क्वेश्चन होंगे। तो ये आज फर्स्ट में 50 है, कल वाले में भी 50 आपको मिलेगा। तो और प्ले स्टोर पर बहुत सारे वीडियो हैं साथियों कला से संबंधित, तो उन वीडियो को भी आप लोग घूम फिर के देखते रहिए और इससे तैयारी करते रहिए। इसे तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो डाला गया है साथियों प्ले स्टोर पर, आप वहाँ पर देखते रहिए ना। तो एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व है, कला का, साहित्य का, कलाकार और कला साहित्य का। तो 15 नंबर पर देखें तो यहाँ पर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कला का। किसका महत्व है? कला का। तो काफ़ी लोग इसमें कला और साहित्य लगाएंगे, तो नहीं। तो एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में सिर्फ किसका महत्व है साथियों, तो कला का ही है ना। टीचिंग करते समय आप कला के माध्यम से अगर बच्चों को पढ़ाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा चित्रकारी करके। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में कितने रसों अथवा प्रधान प्रवृत्तियों की चर्चा है। तो 5, 6, 9, 12। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में पूछ रहा है चित्र सूत्र में, विष्णु धर्म पुराण के चित्र सूत्र में न किसमें कह रहा है, चित्र सूत्र में रसों अथवा प्रधान प्रवृत्तियों की चर्चा है। तो 5, 6, 9, 12। तो कितने रस बताए गए विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में साथियों, प्रश्न पूछने का मतलब यह है। तो कितने रस हैं साथियों, तो 9 रस हैं। कितने रस हैं? 9। 9 रस हैं तो 9 अस्थाई भाव भी होते हैं। चित्र में कितने रस दिखाई देते हैं, तो देखिए चित्र में कितने रस दिखाई दे रहे हैं पूछ लिया है, 9, 6, 5, 10। तो बताइए चित्र में कितने रस दिखाई देंगे, तो चित्र में जो रस दिखाई देंगे साथियों, तो रसों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। तो चित्र में भी 9 रस आपको दिखाई देंगे। अगला है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण लिखा है, विष्णु धर्मोत्तर जो पुराण है लिखा है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण लिखा है बाणभट्ट ने, मार्कंडेय मुन ने, भरत मुन ने, या अभिनव गुप्त ने। तो किसने विष्णु धर्मोत्तर पुराण को लिखा है,
तो 18 नंबर पे देखिए, 18 नंबर का जो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, विष्णु धर्मोत्तर पुराण को किसने लिखा है ना? 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, खा मार्कंडे मुन ने। कुछ व्यूवर्स से साथियों जो पहले वीडियो को क्या बोलते थे साथियों कि इंग्लिश टू इंग्लिश में पूरा पढ़ा है ना, तो साथियों हम लोग सीबीएसई बोर्ड से तो है नहीं कि पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश बताएंगे। अगर हम कह रहे हैं सीबीएसई बोर्ड से 4-6 लोग होंगे जिनको हम इंग्लिश मीडियम से बताएंगे, लेकिन और हमारे जो भाई बहन उनको तो नहीं समझ में आएगा, तो इसलिए जो माध्यम है हिंदी माध्यम अपनों सबसे बढ़िया है, तो हो सके तो इसका ट्रांसलेट वो भाई बंधु बहन जो हैं वो और किसी से कर सकते हैं ना। तो मार्कंडेय मुन, विष्णु धर्मोत्तर पुराण को किसने लिखा था, मार्कंडेय मुन। अगला है आपका, विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है साथियों किस काल का है पूछ रहा है, मौर्य काल का है, गुप्त काल का है, शुंग काल का है या कुषाण काल का है। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का है साथियों, तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है अभी ना। तो जितने प्रश्न सब साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर गुप्त काल का हो जाएगा, विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है गुप्त काल से संबंधित है। आगे देखते हैं, विष्णु धर्मोत्तर पुराण किससे संबंधित है, कह रहे कि जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है किससे संबंधित है, चित्रकला से, मूर्तकला से, नाटक से या चित्रकला मूर्त कला से। तो अभी तो आपने देखा कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण किससे संबंधित है, तो गुप्त काल से संबंधित था इसका। अब प्रश्न पूछा कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण किससे संबंधित है, तो यहाँ पे ऑप्शन चेंज है, चित्रकला है, मूर्तकला है, नाटक है और चित्रकला मूर्तकला है। तो 20 नंबर पर राइट आंसर क्या आ जाएगा साथियों, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में जो ना किससे संबंध है, ये चित्रकला और मूर्तकला दोनों से संबंध है विष्णु धर्मोत्तर पुराण, चित्रकला और मूर्तकला दोनों से। अगला है, चित्रसूत्र कितने भागों में विभक्त है साथियों, करा जो चित्रसूत्र है कितने भागों में बटा हुआ है, 10, 9, 8, 7। तो चित्रसूत्र जो है कितने भागों में बांटा गया है, तो चित्रसूत्र कितने भागों में बांटा गया, तो एक बार जरा आप लोग कमेंट करिए साथियों, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाँ 50 क्वेश्चन में लगभग आप तो कमेंट करके 50 से 51 क्वेश्चन है लगभग, प्लस है 50 से 51 शायद 51 है, तो आप कमेंट करके बताएंगे कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है, किस प्रकार से आपकी तैयारी, आप खुद अपने आप का स्व मूल्यांकन करिए और हमें भी बताइए, हम उसी प्रकार से आप लोगों की तैयारी और अच्छी से अच्छी कराएंगे। तो 148 सीट है टोटल साथियों, पूरे यूपी में TGT का कितना सीट है, 148 है, तो 148 सीट हमको क्या है उसमें अपना एक सीट आपको बना के मान के चलना है कि एक सीट हमारा है, तो निश्चित ही आपका है। लेकिन तब जब आप खूब मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, जितने यूट्यूब पे जितने वीडियो हैं साथियों, प्ले स्टोर से सारे वीडियो को बार बार देख रहे, एक क्षण आप मत बैठिए, लगभग 24 घंटे में तो कम से कम आप 12-13 घंटा पढ़िए, क्योंकि 148 में आपको जब 123 कितना लाएंगे साथियों, 125 में जब 123 आप सही करेंगे तभी जाके सिलेक्शन होगा साथियों, ये जान लीजिए। बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही टफ इस समय का सिचुएशन हो चुका है नौकरी लेने के लिए साथियों, तो 148 सीट है, तो 148 में 123 122 आपको लाना पड़ेगा, तब जाके निश्चित ही सफल, इसलिए बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ही परिश्रम करने का पसीना बहाना पड़ेगा, निश्चित ही निश्चित सफलता साथियों मिलेगी। तो चित्रसूत्र कितने भागों में विभक्त है, तो चित्रसूत्र जो है साथियों ये 9 भाग में विभक्त है, कितने भाग में विभक्त है, तो 9 भाग। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो खा है वो सही हो जाएगा, 9 भाग में विभक्त है। अगला है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र विभाजन के अंतर्गत नहीं आते हैं, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के जो चित्र हैं साथियों ये विभाजन के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो वैणिक, वैणिक, नागर या मिश्रित, तो कौन सा इसमें से जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण के विभाजन के अंतर्गत नहीं आता है, तो 22 में देखिए कौन सा नहीं आता है साथियों, तो यहाँ पे जो आपका वैणिक होगा ये नहीं आता है विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अंतर्गत। अगले देखते हैं प्रश्न, कलानम प्रवरम चित्र धर्म कार न कलानम प्रवरम चित्र धर्म कार्थ मोक्षदम किस पुस्तक से उद्घृत है, तो किस पुस्तक से यह श्लोक लिया गया है साथियों, तो काव्य दर्श से है, नाट्य शास्त्र से है, चित्र सूत्र से है या शिव सूत्र से है। तो न ये जो श्लोक है कलानम प्रवरम चित्र धर्म कार्थ मोक्षदम पूछ रहा किस सूत्र से उद्घृत है लिया गया है, तो यह जो आपका लिया गया है चित्र सूत्र से लिया गया है। अगला है, चित्र लक्षणा के रचयिता कौन है, जो चित्र लक्षणा है इसके रचयिता पूछ रहा है कि कौन है, इसके लेखक चित्र लक्षणा के लेखक कौन है, श्यामलानंद हैं, गोपालदास हैं, राजा भयजीत हैं या शंकराचार्य हैं। तो 24 पे देखिए साथियों, तो हम लोग अपने टेस्ट सीरीज का 20
4 पे पहुंच रहे हैं और इसका हम लोग साथियों पार्ट 1 देख रहे हैं, इसका जो कल देखेंगे पार्ट 2 वीडियो देखेंगे, तो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 24 में जो राइट आंसर होगा राजा भयजीत है। चित्रलक्षणा के जो लेखक हैं कौन है, राजा भयजीत है, तो गवाला सही जाएगा। पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित कथा का वर्णन कहाँ मिलता है? कारण पौराणिक रूप से जो चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित कथा है उसका वर्णन कहाँ मिलता है? चित्रसूत्र में, चित्रलक्षण में, कामसूत्र में या रामायण में? तो 25 का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक बार आप लोग कमेंट करिए सारे लोग, सभी लोग, तो कहाँ जाएगा? चित्रलक्षण में। तो आप लोगों का जो कमेंट आता है साथियों बहुत प्यारे प्यारे कमेंट होते हैं साथियों, बहुत ही अच्छे कमेंट होते हैं, तो आप लोगों का इसी प्रकार से प्यार दुलार बना रहे हर वीडियो पर, हम आप लोगों को अच्छे से अच्छी तैयारी भी कराते रहेंगे। तो पूरा सिलेबस से तैयारी कराएंगे साथियों, थोड़ा धैर्य और साहस रखिए बस। इसके बाद MCQ चलेंगे, सिलेबस खत्म उसके बाद फटाफट 125 का पूरा चलेगा आपका टेस्ट साथियों। भारतीय सौंदर्य शास्त्र से रस प्रतीति विघ्न की बात कही है न, तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीति में विघ्न की बात की थी। इसके बाद सुपर फास्ट रिवीजन भी कराएंगे आप लोगों का न, तो भट्ट लोलट ने, श्री शंकुक ने, अभिनव गुप्त ने या भट्ट नायक ने? तो सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीति विघ्न की बात किसने कहा है? तो 26 में साथियों किसने कहा था, तो रस प्रतीति में विघ्न की बात जो सौंदर्य शास्त्र में कहने वाले थे ये आपके थे अभिनव गुप्त ने कहा था इस तरह से। तो आप इन सब प्रश्नों को याद रखेंगे, भारतीय बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है ना, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में जो रस है एक कला की आत्मा है, यह किसने कहा कि रस कला की आत्मा है, किसने कहा? सर्वप्रथम श्री शंकुक ने कहा था, भरत ने कहे थे, भरत या भरत मुन वही है भरत का, तो भरत मुन, अभिनव गुप्त ने या पंडित जगन्नाथ ने, पंडित राज जगन्नाथ ने? तो रस कला की आत्मा है किसने कहा था सौंदर्य शास्त्र में? तो 27 पे देखेंगे तो इस तरह से जो रस कला की आत्मा कहने वाले जो आपके थे वो थे अभिनव गुप्त जी। अगला है आपका मित्रों, रस भाव को शास्त्र का रूप दिया था, रस भाव जो है इसको शास्त्र का रूप किसने दिया? रस भाव को शास्त्र का रूप किसने दिया? पंडित यशोधर ने, भरत ने, बाणभट्ट ने या केशव दास ने? ना, तो 28 पे देखिए, तो 28 का जो राइट आंसर होगा साथ में रस भाव को शास्त्र का रूप किसने दिया था? तो आपके दिए थे ये भरत मुनि ने। आगे है आपका, आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस है, आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है साथियों? तो 10 है, 8 है, 9 है, 11 है। तो 29 नंबर पर देखिए, तो 29 का जो राइट आंसर होगा साथियों आचार्य भरत मुनि के अनुसार जो रस बताया गया है ये 8 है, कितना है? 8। अभिनव गुप्त के अनुसार कितना हो जाएगा? 9। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे न, आचार्य भरत मुनि के अनुसार कितना हो जाएगा? 8। अभिनव गुप्त के अनुसार 9 होगा न। सर्वप्रथम किसने नाट्य शास्त्र में 8 रस बताए हैं? कह रहा है कि सर्वप्रथम नाट्य शास्त्र में किसने 8 रस बताया है, 8 रस को किसने बताया है? आचार्य उद्भट, आचार्य बाणभट्ट, आचार्य भरत मुन, आचार्य नारायण मुन। तो 8 रस साथियों नाट्य शास्त्र में किसने, तो सबसे पहले आपको यहाँ पकड़ना है कि नाट्य शास्त्र जो ग्रंथ है किसका है, तो नाट्य शास्त्र जिसका ग्रंथ होगा उसी में वही बताया होगा 8 रस। तो नाट्य शास्त्र किसका है साथियों? तो आचार्य भरत मुनि का ये जो ग्रंथ था नाट्य शास्त्र, तो इन्हीं के द्वारा बताया गया था 8 रस। क्लियर, तो राइट आंसर आपका गा हो जाएगा। अगला है, नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं, कह रहा है कि जो नाट्य शास्त्र है इसके प्रणेता कौन है, जन्मदाता कौन है, इसके पिता किसे माना जाता है? कालिदास को, वासायन को, भरत मुनि को या अरस्तु को? तो नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है साथियों? तो 31 पे देखिए मित्रों, तो 31 का जो राइट आंसर होगा नाट्य शास्त्र के जो प्रणेता जन्मदाता वो नायक माने जाएंगे, वो आपके भरत मुनि माने जाएंगे, पंडित भरत मुनि। नाट्य शास्त्र में भरत ने कितने भावों का विवेचन किया है? नाट्य शास्त्र में जो भरत ने हैं ये कितने भावों का विवेचन किए हैं, किसमें? नाट्य शास्त्र में कितने भावों का विवेचन किए हैं? 42, 36, 49 या 45? तो 32 पे हम लोग पहुँच चुके हैं, तो 32 का जो राइट आंसर होगा नाट्य शास्त्र में भरत ने कितने भावों का विवेचन किया? भरत है जो भरत मुनि है, ये भरत जो है भरत मुनि है, ठीक है, तो कितने बताए हैं? तो 49। कितने बताए साथियों? तो 49 भाव को बताए हैं। रस उत्पत्ति,
क्या करा है, रस उत्पत्ति का सबसे पहले किसने परिभाषित किया, जो रस उत्पत्ति है इसको सबसे पहले किसने परिभाषित किया, अरस्तु, अभिनवगुप्त, भरतमुनि या ब्राडले। तो 33 पे देखिए, तो 33 पे जो राइट आंसर होगा क्या साथियों, रस उत्पत्ति का सबसे पहले इस ऑप्शन का सब किसने परिभाषा दिया था, तो भरतमुनि दिए थे, उसके बाद अभिनवगुप्त देंगे। अगला है आपका, भरतमुनि के रस तत्व का आधारभूत विषय है, भरतमुनि के अनुसार जो रस तत्व है इसका आधारभूत विषय क्या है, रस तत्व का आधारभूत विषय क्या है, रस कोटि है, रस चेतना है, रस चिंतन है, नाट्य में रस की निष्पत्ति है। तो 34 पर देखें, तो 34 का जो राइट आंसर का साथियों क्या हो जाएगा, नाट्य में रस की निष्पत्ति हो जाएगा। अगला है, शांत रस पहली बार किसने प्रस्तुत किया, भरतमुनि, वात्स्यायन, मार्कंडेयमुनि या अभिनवगुप्त। तो शांत रस को पहली बार किसने प्रस्तुत किया था प्रश्न पूछ रहा है, तो कौन हो जाएंगे साथियों, भरतमुनि के अनुसार कितने रस होते हैं, 8 रस होते हैं, अभिनवगुप्त के अनुसार कितने रस होते हैं, 9 रस होते हैं, तो 9वां रस आपका क्या है, ये शांत रस है, क्या है, शांत रस। तो शांत रस को किसने रखा, तो अभिनवगुप्त रखेंगे, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे घा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घा। ठीक, आगे देखते हैं, संचारी भाव का संबंध किससे है, संचारी भाव का संबंध किससे है, संचारी जो भाव है इसका संबंध किससे है, सौंदर्य से है, रस से है, शिल्प शास्त्र से है या अभिव्यक्ति से है। तो 36 का देखें, तो 36 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ना, संचारी भाव का जो संबंध होगा साथियों रस से होगा। संचारी भाव कितने हैं, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि संचारी भाव कितने हैं, 30 हैं, 33 हैं, 10 हैं या 23 हैं। तो संचारी भाव की संख्या साथियों कितना हो जाएगा, यहाँ पे 33 हो जाएगा। सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव होते हैं, सौंदर्य शास्त्र के अनुसार पूछ रहा है कि भाव होते हैं, छोटे देखने में तो छोटे प्रश्न हैं साथियों, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, ऐसे ही प्रश्न ऑनलाइनर प्रश्न ही पूछे जाएंगे साथियों, न देखने में छोटने लगे लेकिन घाव करे गंभीर। तो जो हमारे सिंपल प्रश्न होते हैं अक्सर वही प्रश्न क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं, क्योंकि हम इन्हें इग्नोर करके पढ़ते हैं, एक झटका में पढ़ते हैं, ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। तो सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव होते हैं तो कितने होते हैं, 5, 8, 9, 12। तो 38 पे देखें, तो सौंदर्य शास्त्र के अनुसार जो भाव बताए गए हैं वो 9 होते हैं, तो 9 रस होंगे, तो 9 अस्थाई भाव भी होते हैं, तो इसलिए ना राइट आंसर आपका गा हो जाएगा। रस कितने प्रकार के होते हैं साथियों, तो रस कितने प्रकार के होंगे, जब अस्थाई भाव ना होगा तो रस भी ना होंगे, जब ना होगा रस तो अस्थाई भी ना होंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं, रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, रस जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसने किया है, अभिनवगुप्त, आनंदवर्धन, सारंगदेव या श्री शंकुक ने। तो जिस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछे गए साथियों उन्हीं प्रकार से ही हमने प्रश्न को लेकर आप लोगों के बीच आया हूँ, ताकि आपको कंफ्यूजिंग ना हो, हर प्रकार से जिस प्रकार से प्रश्न आएगा घुमा के आप उसका आंसर देने के लिए आप तत्पर रहेंगे। तो 40 नंबर पर देखिए, तो रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो अभिनवगुप्त, आनंदवर्धन, सारंगदेव या श्री शंकुक। तो कौन हो जाएंगे साथियों रस सिद्धांत का प्रतिपादक, तो यहाँ अभिनवगुप्त जी हो जाएंगे रस सिद्धांत के प्रतिपादक। रौद्र रस का रंग क्या है, जो रौद्र रस होता है इसका रौद्र मीन्स क्या होता है, क्रोध, रौद्र मीन्स क्या होता है, क्रोध। तो पूछ रहा है कि इसका रंग साथियों क्या है, नीला है, काला है, लाल है या पीला है। तो रौद्र रस का मतलब होता है क्रोध, तो अब जान लीजिए जब किसी व्यक्ति को क्रोध लगता है तो उसकी आंखें, उसके चेहरे क्या हो जाते हैं, गुस्से से लाल हो जाते हैं, गुस्से से क्या हो जाते हैं साथियों, तो लाल हो जाते हैं। तो यहाँ रौद्र रस का अर्थ क्या हो जाएगा, लाल, यहाँ क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। रंग का मतलब क्या हो जाएगा, रंग, रौद्र रस का रंग लाल हो जाएगा, तो आदमी गुस्से से लाल हो जाता है। अद्भुत रस का कौन सा रंग है, अद्भुत जो रस होता है, अद्भुत रस इसका रंग पूछ रहा है क्या होता है, लाल, नीला, सफ़ेद, पीला। तो अद्भुत में से क्या होगा साथियों, न तो 42 पे देखिए, 42 का जो राइट आंसर होगा 42 का अद्भुत, अद्भुत से क्या होता है, विस्मयजनक या आश्चर्य, न बड़ा अद्भुत है, बड़ा भयानक है, न तो यहाँ पर क्या होगा, भयानक, भयानक से क्या होता है, जैसे पीला, पीला यहाँ दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, पीला हो जाएगा, अद्भुत से पीला। रस का प्रमुख स्रोत क्या है, जो रस है इसका प्रमुख स्रोत क्या है, रस कहाँ से निकलता है, रस का क्या स्रोत है, साधन कहाँ से है, नाट्य है, विचार है, सौंदर्य है या आनंद है। तो 43 का देखिए, तो रस का प्रमुख स्रोत क्या हो जाएगा साथियों, तो आपका नाट्य हो जाएगा, नाट्य,
नाट मीन्स नाटक, नाटक देखने से ही आपको क्या होता है, रस की उत्पत्ति होती है, आनंद मिलता है। रस का अर्थ है ना? क्या कर रहा है, रस का अर्थ पूछ रहा है कि रस का अर्थ है अच्छी कलाकृति, कलाकृति में प्रदर्शित भाव, कलाकृति का विषय या दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति ना? क्या कर रहा है, अच्छी कलाकृति, कलाकृति में प्रदर्शित भाव, कलाकृति का विषय या दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति, यही क्या होता है, रस होता है। तो राइट आंसर आपका घ हो जाएगा। अगला है, रस मीमांसा ग्रंथ की रचना की ना, कार्य की जो रस मीमांसा है इस ग्रंथ की किसने रचना की है, इसके लेखक कौन है, अभिनव गुप्त हैं, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल हैं, शंकराचार्य हैं या आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो रस मीमांसा, रस मीमांसा के लेखक कौन है साथियों ना? तो 45 पे देखिए तो 45 नंबर का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा साथियों आपका क्या हो जाएगा, आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रस मीमांसा ग्रंथ की जो रचना किए थे वो रामचंद्र शुक्ल थे ना, 45 का घ हो जाएगा। अगला, अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन है, अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता पूछ रहा है कि कौन है, कालिदास हैं, बाणभट्ट हैं, दांडी हैं या भावभूत हैं। तो 46 का जो राइट आंसर होगा, अभिज्ञान शकुंतलम के जो रचनाकार हो जाएंगे यहाँ पे कौन हो जाएंगे, आपके कालिदास। मेघदूत किसकी रचना साथियों, मेघदूत पूछ रहा है किसकी रचना है, कालिदास की है, बाणभट्ट की है, वाल्मीकि है, कपिल मुनि की है। तो 47 पे देखिए तो मेघदूत जो रचना होगी किसकी हो जाएगी आपकी, है कालिदास की हो जाएगी ना। तो ज़रूर से वीडियो को आप लोग कमेंट करके साथ में बताएंगे कि आपका 50-51 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन आपका सही होता है, कितना सही है। तो आपका भी स्वमूल्यांकन होगा, हमें भी पता चलेगा किस प्रकार से आपकी तैयारी हो रही है, कहाँ क्या कमी है। तो मैं फिर से रिवीजन आपका स्टार्ट कर दूँगा, पूरा सिलेबस का फिर से रिवीजन स्टार्ट करूँगा साथ ही। तो कामसूत्र के रचयिता कौन है, अब प्ले स्टोर पर भी है, वहाँ से भी आप वीडियो को देख रहे साथ ही। कामसूत्र के रचयिता कौन है, वासायन है, चरक है, रामदेव है, पाणिनि है। तो रात दिन एक कर देना है साथियों ना। 48 का जो राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, कामसूत्र के रचयिता जो है वात्स्यायन है, कौन है, वात्स्यायन। अगला है, वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है ना, जो वात्स्यायन के जो कामसूत्र है साथियों जिसमें कितनी कलाओं का उल्लेख किया गया है। तो 64 कला होता है कामसूत्र में, या 60 होता है, या 72 होता है, या 70 होता है ना। कहा जाता है साथियों, रिश्ते टूट जाते हैं जो रिश्ते खास होते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं जो रिश्ते खास होते हैं, पराए भी अपने होते हैं जब पैसे पास होते हैं। अगर हम लोग बेरोजगार, हमारे लोग के पास पैसा नहीं है साथियों, तो कोई हम आपसे रिश्ता नहीं ले, माता पिता भाई बहन भी हम लोग से थोड़ा दूरी बनाते हैं, क्योंकि जो भाई कमा के देता है लोग उसी से ही ज़्यादा दुलार करते हैं, प्यार करते हैं, उसी का ही इज्जत करते हैं। तो इसलिए एकदम रात दिन एक कर दीजिए साथियों, मेहनत करिए, निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी साथियों। तो हम आपके साथ लगे रहेंगे दिन रात, वीडियो कहेंगे तो दो दो वीडियो डालेंगे साथियों, हम इसलिए एक वीडियो डालते हैं क्योंकि आपको 24 घंटे में उस वीडियो का एक बार दो बार आप पढ़ें और रिवीजन पढ़ें, अच्छे तरीके से आप याद कर लें, नोट कर लें, नोट डाउन कर लें। तो वासन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का वर्णन किया गया है, तो कितनी कलाएं होती हैं, 64 कलाएं। कितनी कलाएं होती हैं साथ में, 64। अग्निपुराण में कलाकार को क्या कहा गया है, अग्निपुराण में जो कलाकार है ना उसे क्या कहा गया है, विश्वकर्मण, देवता, महर्षि, या इनमें से कोई नहीं। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है साथियों, हम लोग 50 क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। तो क्या कहा जाएगा, अग्निपुराण में कलाकार को क्या कहा जाएगा, विश्वकर्मण कहा जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन आज का है, वस्तु विधा और सृजन के देवता हैं ना, वस्तु विधा और सृजन के देवता कौन है, तो विष्णु है, विश्वकर्मा है, इंद्र है और गणेश है। तो 51 आज का लास्ट क्वेश्चन है साथियों, तो कमेंट करके आपको जरूर बताना कि कितना आपका क्वेश्चन सही होता है। तो यहाँ वस्तु विधा क्या कर रहा है, वस्तु वृद्धा और सृजन, सृजन में निर्माण करने वाले देवता कौन है, तो विश्वकर्मा। आप रामायण और महाभारत में भी देखे होंगे जब बोला जाता है स्वर्ग का निर्माण करिए, महल का निर्माण करिए, तो किसे बुलाया जाता है, विश्वकर्मा भगवान को ही बुलाया जाता है। तो यही है वस्तु विधा और सृजन के देवता है। तो उम्मीद है कि जितने भी प्रश्न हैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से साथ में तैयार हो गए होंगे, समझ में भी आया होगा, वीडियो को एक बार दो बार देखेंगे वीडियो अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। अब उम्मीद है कि नोट डाउन भी प्रश्नों को आप कर रहे हैं। तो दीजिए इजाज़त साथियों, जब तक नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के बीच इसका लेके आएंगे, तब तक ले बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो जैसा लगा वीडियो को भी कमेंट करके आपको बताना कि वीडियो किस कैसे लग रहा है, कैसा हुआ